ॐ जय कृष्णाय नमः जग तारक है आए चरणों में नमो नमः ॐ जय गुरुदेवाय नमः भक्त वत्सल कृपालु कृपा है करते स्वामी कृपा है करते झोलियां है भरते ॐ जय गुरुदेवाय नमः। लोगों को मैं कह रहा हूं, यह विचार पृथ्वी डूब रही है, अब अनाचार भी विचार से डूब रही है, बाढ़ आ गई है, लेकिन तुझे महसूस नहीं हो रहा है। और ऐसा ही हुआ जब वह पल्ला में अपने विचारों को लेकर नौका पर बढ़ गए। कहीं मछली में सिंह होता है? लेकिन आया है पुराण में कि मछली के सिंह में अपने नौका को बांधा है। मछली में सिंह होता है कहीं? न भूतो न भविष्यति, लेकिन तूने मान लिया मछली के सिंह में अपने नौका को बांधा है। मछली लेकर चली गई है उच्चतम स्थान पर, और वह उच्चतम स्थान पर जाकर के अपने निवास किए हैं, पहाड़ के ऊपर रहे हैं। और जब पृथ्वी फिर जल संचय समाप्त हुआ है, धीरे धीरे उस पहाड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाए हैं, झोपड़ी बनाने हैं, तब वहाँ एक लड़की पुनः इनको मिल जाती है जिसका नाम ईडा है, ईडा। और ईडा से ही नाम पड़ा है इलावर्त, और इलावर्त से नाम पड़ा है आर्यावर्त। इसलिए तुम मनु को ठीक से समझ लो। और वह ईडा भी इनके साथ रहने लगी। ईडा से जो लड़की उत्पन्न हुई थी, एक लड़की उत्पन्न हुई थी, उसका नाम था ईला, इसलिए ईला से आर्यावर्त फिर बाद में नाम पड़ा। और यह माँ बेटी प्रचार अब लगने लगा। कुछ पहाड़ों पर से जो आदिवासी बचे थे सब आने लगे इनके यहाँ, और ये सब भी इनके स्वरवेद के ज्ञान में सम्मिलित होने लगे, सब जो है नए जीवन प्राप्त करने लगे। इसलिए मनु के वंशज बढ़े। मनु पति पत्नी ही वंशज नहीं बढ़ाए, जो आया अब जो बच गया था इनोसेंट सीधे सादे प्रकृति ने बचा लिया था, सब लोग आते गए और सबको यह जो है यह ज्ञान देते गए। दिव्यगुप्त भी ज्ञान देते गए, और जो है ईश्वर की विद्या देते गए, साथ ही सद्विप समाज की स्थापना की विधि टेक्निक देते गए। सब जो है सुसंस्कृत होने लगा, सब जंगली आदिवासी जिसको तू पशु कह सकती हो, बैल कह सकती हो, सब जो है वह मनुष्य के रूप में अपने संस्कार को लेकर के इस पृथ्वी पर फैल गए। और उस मनुष्य से तुम मनुष्य, उस मनु से ही तुम मनुष्य के मनुष्य बना है, मनु का संतान बना है। इस तरह से अब इसके बाद में दो मिनट सुन लो व्याख्या इसका, यह क्या है। तीन दिन तीसरा दिन अंजलि दिए, मछली उत्पन्न हुई। यह स्वर मार्ग जो है मीन मार्ग है, धारे के विपरीत चलता है। जब धारे के विपरीत मछली चलती है तब वह अपने गंगा के उद्गम में पहुंच जाती है। जब तुम भी इस धारे के विपरीत मीन मार्ग से चलेगा, तुम भी अपने उस उद्गम में परमात्मा के नज़दीक पहुँच जाएगा, इसलिए इसे मीन मार्ग भी कहा गया है। तीसरा दिन यह क्यों मिली? तीसरे दिन मिली वह भी अंजलि देते हुए। पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो शरीर का प्रतीक होता है, फिजिकल बॉडी का प्रतीक होता है। दूसरा चक्र जो होता है, सीक्रेट साइंस में बताया और सिखाया जाता है चक्रों के बारे में, तो आप लोग जानता होगा, नहीं तो जान लेना। दूसरा जो चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है भावमय शरीर का प्रतीक होता है, और यहाँ से भावना में एलेस्ट्रॉल बॉडी होता है, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। लेकिन तीसरा जो शरीर होता है यह मणिपुर चक्र पर जब आते हो, और मणिपुर चक्र पर ही जब तक से तू आता नहीं, विष्णु का स्थान है, तब तक से तुम्हारी सूक्ष्म यात्रा शुरू नहीं होती है, तब तक से तुम जो है उस रहस्यमय लोक में प्रवेश नहीं करते हो। और इसका भी दस दल कमल है। दस दल कमल क्यों कहा गया उनके अंजलि में जरा इस पुराण की बात को समझो। दस दल कमल, यह दस अंगुली हो गई ना, और देखो यह दस दल कमल की तरह बन गया ना, इसलिए यह कहा गया है। इसी से समझ लो, हाँ दस कमल बन गया, देखो दस कमल, यह समझाया गया है। पुराण वेता जो है आत्मवेता है, त्रिनेत्र खुला हुआ है, इसलिए पुराण की बात को समझने के लिए तुम्हें त्रिनेत्र समझना होगा, न तो कथा कहानी समझ करके धर्म और पाप के चक्कर में पड़ करके समझेगा कि यह पुण्य हो गया सुन लेने पर, हम स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग नरक के चक्कर में चल करके रह जाएगा वहीं, न स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, नरक जरूर चला जाएगा। तो यह समझ लो, यह कहा गया है कि यह जो है तर्पण करते हुए तीसरे
दिन में, मैंने तीसरे चक्र पर जब यहाँ पहुँचे तो यह दस दल कमल बन गया, यानी मणिपुर चक्र पर वह मछली मिली है, यानी वह मणिपुर यक्ष चक्र से तुम्हारी वह यात्रा ऊपर शुरू हो गई है। और जब मणिपुर चक्र से ही यात्रा शुरू जब हो जाती है तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, तब अनाहत चक्र पर आ जाएगा। अनाहत चक्र पर तुम पहुँचते हो तो यही अनाहत चक्र द्वादश दल कमल है, यह जो है कमंडल के तरह है, एकदम कमंडल बन गया, कमंडल के तरह है। और उस कमंडल में ही मछली निवास की, और उस कमंडल में जाते ही एक दिन में ही वह जो है बड़ी हो गई है, क्योंकि यह कमंडल जो है यहाँ जो है शिव की पुरी है, यहाँ ज्ञान से भरने लगी है, और ज्ञान से इतना विस्तार हो गई कमंडल भर गया, कहा कि मुझे बाहर निकलो। तब कहा कुआं के तरफ डाले हैं। दूसरा दिन कुआं, या कुआं का मतलब समझो आके वह कुआं भी है जो समुद्र से मिला हुआ है, अनंत गुफा से मिला हुआ है, यह विशुद्ध चक्र है, सोलह दल कमल है, यहाँ से स्वर उत्पन्न होता है और कुआं से ही पानी का निस्र होता है, और यही जो है आदि शक्ति है। जब यहाँ पर वे पहुँच गए अपनी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ विशुद्ध चक्र पर पहुँच गए तो उस अनंत से तो मिल ही गए, लेकिन कुआं का आकार आखिर तो छोटा ही है, इसलिए कहा मुझे समुद्र तक पहुँचाओ। और सब छठा दिन है जब उसको उठा करके समुद्र के तरफ चले, यानी आज्ञा चक्र जहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हो, यह ब्रह्ममय शरीर है, यह बॉडीलेस बॉडी है, ब्रह्ममय शरीर है, कॉस्मिक बॉडी है। जब तुम कॉस्मिक बॉडी पर पहुँचते हो तब तुम अनंत में मिल जाते हो, और वह अनंत अनंत पूर्ण जो है वह पूर्ण में मिल ही जाता है, और करुणा बस जो कहता है वह ओंकार ध्वनि होती है, और इसलिए वह ओंकार ध्वनि से वह मछली वो असली के लास्ट में ओंकार ध्वनि में देखो जो निकला हुआ रहता है लास्ट में ओंग, वही उस मछली का सिंह है। और तुम भी जब तुम्हारी भी चित्तवृत्ति या चित्तवृत्ति रूपी मछली जब वहाँ पहुँच जाएगी तो वह सिंह में अपने चित्तवृत्ति को बांध देगा, और जब चित्तवृत्ति को बांध देगा वह मछली अनंत की यात्रा पर निकल जाएगी, और जब निकल जाएगी तो उस जगह पर पहुँचा देगी जहाँ कभी बाढ़ ही नहीं आता है, और जहाँ कभी अकाल ही नहीं पड़ता है, वह है स्थान सहस्त्रार, यानी परमात्मा का स्थान। जब तुम परमात्मा के स्थान पर तुम पहुंच जाता है तब वहां से जब लौटता है पुनः, तब तुम जो सृष्टि करेगा वह सृष्टि जो है आनंद पूर्ण होगा, वह सृष्टि जो है मन वाला होगा, ज्योतिर्मय होगा। इसीलिए मैं कहा कि मनुष्य ज्योतिर्मय है। जब तुम वहां से परमात्मा से लौट कर आएगा, ठीक अपने सद्बुद्धि से लौट कर आएगा, तब वह सृष्टि ज्योतिर्मय होगा, मैन का सृष्टि नहीं होगा, यहाँ ज्योतिर्मय सृष्टि होगा, क्योंकि वह ज्योतिर से आया है। इसीलिए अब तुम समझ गया होगा ज्योतिर्मय सृष्टि से तुम लोगों का कहा गया है, कितना बड़ा संगठक, इस अर्थ को ठीक से समझना होगा। और यह ज्योतिर्मय सृष्टि ही तुमको अपने ज्योतिर की तरफ आकर्षित कर रही है कि तुम भी मीन बन करके अपने चित्तवृत्तियों को मीन बना लो, और तुम मीन मार्ग से मेरे तक पहुंच जाओ, अनंत की यात्रा पर निकल जाओ, और अनंत की यात्रा पर निकल करके उस अनंत प्रभु को प्राप्त कर लो। मेरी भी आपसे यही कामना है कि आज तुम लोग कुछ दिन यहाँ रह रहे हो, जो यहाँ पर हो रहा है यज्ञ, यह यज्ञ भी तीन खंडों में बटा हुआ है, यह तीसरा दिन ही से शुरू हो रहा है, तीन खंडों में बटा हुआ है यह भी यज्ञ, फिर इसकी इस यज्ञ की तीन खंड में बांट करके ही तुमको उत्तरायण किया जा रहा है, और यहाँ पर भी किया जा रहा है कि तुम्हारे अंजलि में तो आ ही जाएगी, और अंजलि से ही तुमको भी शुरू किया गया है, उस कमंडल में प्रवेश कर जाओ, और कमंडल भी लेकर गुरु जी बैठे ही हैं, और कमंडल से तुम लोग सीधे यहाँ गंगा जी है इसमें प्रवेश कर जाओ, और गंगा जी से प्रवेश करके, चूँकि यह भी ब्रह्म द्रवा कहा गई है, ब्रह्म द्रवा यानी ब्रह्म के ही द्रवण हुआ है, तब तक तुमसे ब्रह्म तक जाने में कोई रोक ही नहीं पाएगा, इसलिए इस यज्ञ को तीन खंडों में बांट दिया गया है, तुम तन मन धन से तीनों से ही इसको लग जाओ, और तुम लोग एक साल के अपने तपस्या में अपने कितने कितने तुम दिन समय बांटता है उसके अनुसार तुम भी अपने को उपलब्ध हो जाओ। और तुम यदि कुछ भी प्राप्त कर लेते हो, कुछ भी प्राप्त कर लेते हो, तो मैं अपने को भी धन्यभागी समझूंगा, समझूंगा कि हाँ हमने कुछ किया। यदि नहीं समझेगा तो हम भी समझ लेंगे कि हमारे भी बैल को, मलानी को तुम लोग भी कहीं ना कहीं हवन कर देगा, मैं फिर अकेले निकल जाऊँगा, क्या करूँगा। धन्यवाद। दृष्टि से सृष्टि नहीं बनती है, विचारों से सृष्टि का निर्माण होता है। आनंद
दृष्टि आंख से तुम देखते हो, सृष्टि का निर्माण उसे नहीं होगा है। तुम जैसा विचार करते हो सृष्टि का वैसा निर्माण होने लगता है। हम संकल्प शक्ति जैसा हम करते हैं, इसलिए बार बार वेद में कहा गया शिव संकल्प भवत, भगवान शंकर के तरह संकल्पवान बनो। आप लोग देखते हो सती ने विचार किया पिता के घर जाने का और वे आग को यज्ञ आहुति बन गई। तो आप जैसा संकल्प लेता है, अभी तुम मंगलमय संकल्प लेगा, आप देखेगा कि आपके चारों तरफ मंगलमय रेखाएं घूमने लगेगी और आप बनने लगेगा और कि अगल बगल आपके मंगलमय सृष्टि का सृजन होने लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं सुबह उठर आप लोग उठते उठते जो स्वर चलता है वही हाथ से मुंह प्रक्षालन कीजिए और उसी स्वर में आप दो मिनट के लिए मंगल भावना कीजिए, अपनी मंगल, परिवार का मंगल, पड़ोसी का मंगल, जगत का मंगल। जब मंगल की भावना आप करने लगेंगे तो आपके इर्द गिर्द मांगलिक आभाएं उत्पन्न होने लगेगी और मांगलिक ओरा उत्पन्न होने लगेगा, मांगलिक सर्कमस्टांसेस उत्पन्न होने लगेगा और आपका मंगल होने लगेगा। जब आप सुबह से शाम तक दूसरे के मंगल में दुख के कष्ट के लिए आप सोचते रहेंगे, उसको हो या ना हो आपको तो ही जाएगा। इसलिए विचारों से ही सृष्टि बनती है। अपने विचार को, अपने संकल्प को आप मजबूत रखिए। आप देखते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण मालवी जी इतना बड़ा संकल्प का धनी और इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। एक गरीब ब्राह्मण चाणक्य जिसको रहने के लिए घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, लेकिन संकल्प लिया कि हम आर्यावर्त का उद्धार करेंगे और पूरा बिहार से लेकर के अफगानिस्तान तक आर्यावर्त को एक करके रख दिया। तो आप लोगों को संकल्प का धनी बनना पड़ेगा, लेकिन आपका संकल्प गिरा गिरा हुआ है, मरा मरा हुआ है। सुबह का संकल्प कुछ करता है, शाम को और करता है, दोपहर को कुछ और करता है, फिर बदल जाता है, बदलता रहता है ना। आपको अपने संकल्पों पर कंट्रोल नहीं है या मन पर कंट्रोल नहीं है। सुने नानक देव पर्यटन में थे, एक बार पर्यटन करते जब एक जगह पहुंचे, एक देश में किसी, वहां का राजा उनसे मिलने आया। जब वो राजा मिलने आया तो उनके सामने कुछ रुपया पैसा हीरा मोती रखा। राजा ने कहा कि महाराज इसे स्वीकार करिए। नानक देव ने कहा कि तुम ऐसा चीज जो चीज हमको दान करो जो तुम्हारा प्रिय हो। कहा कि यह सब बहुत प्रिय है। नानक ने कहा कि यह तुम्हारा प्रिय नहीं है, झूठ बोल रहे हो। यह धन तुम्हारे दादा का है, दादा ने तुम्हारे पिता को दिया और पिता ने तुझे दिया, तुम अपने पुत्र को देगा, तुम मरोगे तो इसे लेके जाओ नहीं गे, साथ नहीं ले जाओगे। जब तुम इसे साथ नहीं ले जा सकते हो तो तुम्हारा प्रिय कैसे हुआ, इसे कल्याण नहीं होगा, कुछ और चीज दो। राजा सुनते हैं, फिर पड़ा क्या और कुछ दें, क्या दें। कहा कि महाराज आप जो कहिए। कहा कि तुम्हारा प्रिय है क्या, बहुत जब जोर करा, कहा कि तुम अपना मन हमको दे दो,
यह मन ही तुझे डवाडोल किया है और यह मन ही तुझे बार बार जीवन मरण में फंसाता है, यह मन ही मोहग्रस्त कराता है, यह मन ही तुझे विभिन्न प्रकार के उलझनों में चाल डककर चालता है। इसलिए तुम्हें मन दे दो और तुम मुक्ति को प्राप्त कर लो। क्यों इसके चक्कर में पड़ा है? अवर वह राजा सुनते हैं कि वह मन नानक देव को दे दिया, कहा कि अब तुम जो काम कर रहे हो राजन, यह मेरा राज्य है और मेरा मन है, अब मेरा समझकर काम करो। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है। जनक के साथ भी अष्टावक्र ने ही कहा, अष्टावक्र आठों अंक का टेढ़ा था, सुना है ना तुम लोग? और जनक के यहां ज्ञान यज्ञ हो रहा था, देश भर के राजा विद्वान लोग आते थे, अष्टावक्र का पिता किहोड़ भी गया हुआ था और यह शर्त था कि जो हारेगा इसमें शस्त्रार्थ में उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। इसके साथ सबको समुद्र में डाल दिया जाता था। अष्टावक्र के बार अपने मामा से पूछा कि हमारे पिताजी कहाँ गए हैं। मामा को ही पिता समझता था, लेकिन मामा का लड़का कहा कि तुम्हारे पिता है नहीं, जाओ अपने पिता के, हमारे पिता के गोद में क्यों बैठते हो? लड़का सब बहुत बोलता है, आठों अंक का टेढ़, जितना टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है बड़ा जिद्दी होता है अपंग आदमी। अष्टावक्र अपने माँ के सामने कहा कि हमारे पिताजी को बताओ नहीं तो मैं सिर पटक कर फोड़ दूंगा। कहा कि तुम्हारा तो भगवान ही फोड़े हैं भाई, आठों अंक का टेढ़ा। उसकी माँ ने सच बता दी कि तुम्हारे पिता ऐसे ऐसे चले गए। अपने मामा के लड़का से कहा कि भैया तुम चलो, मैं जनक के राज में शस्त्रार्थ करना चाहता हूँ। देखो, बच्चे को गर्भ में शिक्षा दे दिया गया था और यह लड़का जब पेट में ही था तो इसके पिताजी किहोड़ जब वेद की ऋचाओं के पढ़ता था, पढ़ते थे, वह सुनता था। एक दिन कुछ गलत बोले, वेद की ऋचाओं को बोले कि उदात और अनुदात होता है स्वर का, गलत बोले। वह पेट से ही बोल दिया, अक्षुद्धम किम बदत, पिताजी अशुद्ध क्यों बोल रहे हो? एक बार ध्यान नहीं दिए, दूसरा बार ध्यान नहीं, तीसरा बार जब यह आया गर्भ से, पूछा अपने पत्नी से कौन बोल रहा था, कहा कि यही आपका पुत्र बोल रहा है। कहा कि अभी से हमारा शुद्ध और शुद्ध दिख रहा है, जाओ आठों अंक तुम्हारा टेढ़ा हो जाए। क्रोध यही करता है बच्चा, श्राप दो या आशीर्वाद दो, शक्ति तो क्षय हो गया ना। छत्तीसगढ़ से मुझे स्वर्णिम अवसर मिला गुरुदेव के सर की क्लास में बैठने का, नवरात्रि के अवसर पर। गुरुदेव की बहुत बहुत कृपा है मुझ पर। प्रथम दिन जब हम साधना प्रारंभ कर रहे थे तो हमें बैठने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे गुरु भाइयों की सबकी यह सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा। गौरी माँ ने हमें कई योग सिखाए, स्ट्रेचिंग बताई, जिससे हमें अधिक समय तक बैठ पाने, साधना की कई तकनीकें बताई उन्होंने, जिससे हमें अपना ध्यान लगाने में बहुत मदद मिली। इसके लिए गौरी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद है। सेकंड दिवस जब हम जब गुरुदेव ने हमें ध्यान की कई गुप्त तकनीकें बताई, तांडव कराया, कई गुप्त साधनाएं सक्रिय साधना कराई, तो हमारा जो अनुभव था वो कहने ऐसी अनुभूति करने के लिए तथाकथित साधु लोग कई साल बिता देते हैं, कई करोड़ों रुपए खर्चे करने को तैयार हैं, कोई नहीं पा पाता है। हमारी तो इतनी क्षमता नहीं थी कि हम 6 दिन में ऐसा अनुभव कर पाते, सिर्फ गुरु जी की कृपा थी। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर निलोठी मोड़ नांगलोई दिल्ली 110041